जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, महिला डॉक्टर चाहिए। और आज यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यूक्रेन की घटना के बाद स्टेटमेंट है कि निजी क्षेत्र के लोगों को और बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोगों ने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दी कि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करना पड़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखाने के लिए, नामांकन के लिए लड़के नहीं मिल रहे, और साउथ के अंदर 200-250 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थिति सर्वथा भिन्न है। और यह बैठे लोगों को जानकारी होगी कि आज़ादी के बाद बिहार में हम लोग की सरकार आने के पहले एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं था। RMCH आज़ादी के पहले, DMCH आज़ादी के पहले, PMCH आज़ादी के पहले, भागलपुर का मेडिकल कॉलेज तो लगता ही नहीं था कि कोई मेडिकल कॉलेज है, जहाँ से 25 साल पहले या 20 साल पहले में देखने गया। और NMCH, SKMCH और मुजफ्फरपुर, गया और NMCH, ये तीनों सरकार ने प्रारंभ नहीं किया, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डोनेशन पर एडमिशन पता मुझे याद है, वहाँ से प्रारंभ हुआ और बाद में सरकार ने टेक ओवर कर लिया, ये सरकार ने प्रारंभ नहीं किया। तो 50 साल में केवल एक मेडिकल कॉलेज भागलपुर है जो सरकार के खाते में जाता है। और हम लोग की सरकार बनी तो मधेपुरा, पावापुरी, IGIMS, एम्स, यानी बेतिया, पूर्णिया, बेतिया, तो डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, दूसरे राज्य से ये लड़के यहाँ क्यों आएंगे नौकरी करने? और अगर जब बहाली 3-4 साल पर होगी ऑलरेडी तो उनको जॉब मिल चुका है, तो 4 साल बाद भी हम क्यों आएंगे? इसलिए मैं मगर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी सरकार को कि हम लोगों ने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोला है और आगे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज हम खोलने जा रहे ताकि डॉक्टर्स की कमी ना हो।